कैंट पुलिस ने मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर सूचना पर एक अभियुक्त को पंत पार्क से आरटीओ रोड के बीच से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अविनाश कुमार यादव पुत्र राम आशीष यादव निवासी जंगल सिकरी सेंट जोसेफ स्कूल के पास थाना खोराबार जनपद गोरखपुर स्थायी पता करमहिया जगदीशपुर थाना हाटा जनपद कुशीनगर के रूप में हुई है, जिसके पास से चोरी का 4 मोबाइल बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में वर्तमान समय में परीक्षाएं प्रचलित हैं। दिनांक 21 अप्रैल व 25 अप्रैल को गोरखपुर विश्वविद्यालय के परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा केंद्रों पर खड़ी स्कूटी बाइक की डिग्गी में रखी गई मोबाइल फोन को डिग्गी तोड़कर चुरा लेने के संबंध में थाना कैंट गोरखपुर पर यूपी कॉप के माध्यम से EFIR व थाना कैंट पर प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसको देखते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में पेपर देने वाले लड़के लड़कियां अपनी अपनी मोटरसाइकिल व स्कूटी की डिग्गी में मोबाइल फोन रखकर परीक्षा देने अंदर चले जाते हैं। मैं अपनी स्कूटी इन लोगों के खड़े वाहनों के अगल बगल खड़ी करके धीरे धीरे स्कूटी व मोटरसाइकिल की डिग्गी का लॉक खोल लेता हूँ और उसमें रखी मोबाइल को चुरा लेता हूँ। चोरी के मोबाइलों को OLX के माध्यम से ग्राहकों को बेच देता था। 21 अप्रैल को एक मोबाइल मोटरसाइकिल की डिग्गी व एक मोबाइल स्कूटी की डिग्गी से चुराया था एवं दिनांक 25 अप्रैल को एक स्कूटी से 2 मोबाइल चुराया था। चोरी करने के बाद पुलिस व पब्लिक की नज़रों से बचने के लिए 1 या 2 दिन का गैप करके चोरी करने गोरखपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा केंद्रों पर आता था। आज भी मैं परीक्षा केंद्रों पर खड़ी वाहनों से मोबाइल चोरी करने आया था कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, चौकी प्रभारी विश्वविद्यालय विजय कुमार गौड़, उपनिरीक्षक सुशील कुमार यादव, कांस्टेबल विनय सिंह, शरद यादव, राहुल कन्नौजिया, विनोद कुमार, कांस्टेबल अखिलेश कुमार शामिल रहे।